हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, एक नई एनर्जी, नई नोटिफिकेशन के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका हाथ आया है, तो इसे गवाइएगा मत। दोस्तों, DRDO ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने MTS की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें कि 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI करे हुए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को जानने के बारे में, इसकी प्रिपरेशन टिप्स को जानने के बारे में और इसकी पूरी नोटिफिकेशंस जानने के बारे में, एग्जाम पैटर्न, ETC, तो बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टडी सेक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या है। DRDO के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता ही देती हूँ कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने 1817 वैकेंसीज निकाली है MTS के लिए, यानी मल्टीटास्किंग के लिए। अब बात करें इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म 23 दिसंबर 2019 से 23 जनवरी 2020 तक भर सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी हम आपको बता देंगे। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर इसके एग्ज़ाम कब होंगे। सो फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10th पास होना ज़रूरी है। सही सुना आपने, आपका सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है और साथ ही आपकी ITI किया हुआ होना ज़रूरी है, जो कि आपने किया ही होगा। और इसमें मिलने वाली सैलरी की हम बात करें तो हाँ, हम जानते हैं कि आप सैलरी तो जानना ही चाहेंगे, तो इसमें मिलने वाली सैलरी और पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर आपको 18,000 से 56,900 सेवन्थ पे के अकॉर्डिंग मिलती है विथ अलाउंसेंस एंड बेनिफिट्स। एंड आई थिंक कि बिल्कुल कम नहीं है 10th पास बच्चे के लिए या 10th पास कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 25 साल तक की एज है, इसमें काफ़ी एज रिलैक्सेशन भी है। आप इसके बारे में अगर और भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न देखें तो इसका एग्जाम दो तरीके से होता है, CBT, CVT, दोनों CBT होते हैं, बट इसमें दो एग्जाम होते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, और सेकंड आपसे जनरल अवेयरनेस और क्वांटिक एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। CBT फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो होता है जनरल साइंस, जनरल मैथ एंड जनरल इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 90 मिनट्स का ही होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज बात करी है DRDO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। अगर आप इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो स्टडी सेक्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई नोटिफिकेशन, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।